हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज सेकंड डे है। आज हम चेस्ट एंड बाइसेप टारगेट करेंगे। इसके पहले हमने बैक एंड शोल्डर टारगेट करा था। ये सीरीज पुश पुल वर्कआउट टुगेदर की है। तो गाइस, सेम जैसे हमने लास्ट वीडियो अपलोड करा था, एक बैक का लिया था, एक शोल्डर का लिया था, आज के वीडियो में भी सेम एक चेस्ट का लेंगे, एक बाइसेप का लेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको हमारा लास्ट वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करा या नहीं, प्लीज अगर आपने नहीं करा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत टाइम से, मैंने जब से वीडियो अपलोड करा है, आई थिंक मंडे अपलोड करा था हमने वो वीडियो, जब से एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें यही मूवमेंट फॉलो करना है 4 हफ्ते तक। तो गाइज नहीं, हम हर हफ्ते मूवमेंट चेंज करेंगे। मतलब कोई सा भी वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, सिंगल प्लान ले रहे हो, सिंगल मसल टारगेट कर रहे हो, डबल मसल टारगेट कर रहे हो, पुश पुल लेग कर रहे हो या पुश पुल टुगेदर कर रहे हो, तो हर हफ्ते हमें जो हमारे फॉर्म्स रहते हैं वो चेंज करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि मसल को शॉक्ड मिलता हो, मसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो आपको पुश पुल टुगेदर में भी एक हफ्ते जो 4 हफ्ते तक सेम मूवमेंट नहीं लगाना है, हम मूवमेंट्स चेंज कर सकते हैं। लाइकवाइज जो हमने वीडियो में हमने जो मूवमेंट्स लगाए हैं, आप एक हफ्ते वो मूवमेंट लीजिए, नेक्स्ट हफ्ते आप मूवमेंट्स चेंज कीजिए। ऐसे सलंग आपको 4 हफ्ते तक परफॉर्म करना है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बताइए। बिना रुके वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वार्म अप करेंगे हमेशा की तरह, उसके बाद हम 10-10 की 3 रेपिटेशन लेंगे पुशअप के। सेट लेंगे पुशअप के। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि पुशअप कैसे लगाया जाता है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा तो आपको प्लीज लिंक ऊपर मिल जाएगी। ये वीडियो पूरा देखने के बाद उस वीडियो को चेक करें। फर्स्ट मूवमेंट रहेगा चेस का, बेंच प्रेस टारगेट करेंगे। ठीक है, कैसे लेना है? हमारा बैक आर्च रहेगा, सिल्वर कलर की जो ये रिंग रहती है ये हमारी ग्रिप रहेगी। इसके भी आपको 3 सेट्स लेना है। नाउ लिफ्ट बाबेल का प्लेसमेंट होगा मिडिल चेस पे, आप कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस, जब भी आप बेंच प्रेस में वेट इंक्रीज करें तो आप अपने ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं, लिफ्ट में या स्पॉट करा सकते हैं। हमने रिसेंटली एक बैक एंड शोल्डर वर्कआउट
अपलोड करा था। कैसा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा तो आपको लिंक ऊपर मिल जाएगी, प्लीज चेक इट आउट। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा सीटेड बाइसेप कर्ल, बाइसेप का रहेगा, ठीक है। सिंगल एंड आप चाहे तो सिंगल एंड ले सकते हैं, रादर बोथ हैंड ले लें, ठीक है। इसके भी आपको 3 सेट्स लेना है। कंट्रोल रिलीज, कंट्रोल रिलीज, चेस्ट प्रेस। इसके भी आपको 3 सेट्स लेना है। बाबेल कर्ल, इसके भी आपको 3 सेट्स लेना है। बड़ी बार से टारगेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं हो तो आप इसको डंबल से भी टारगेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, बस एलिन माइंड कनेक्शन के साथ वर्कआउट करना है। जब भी हम वर्कआउट परफॉर्म करें कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड, हमारे जो ब्रीथ रहेगी नीचे जाते वक्त लेंगे, ऊपर जाते वक्त छोड़ेंगे। रहेगी पीछे बाइसेप कर्ल, ठीक है। इसके भी आपको 3 सेट्स लेना है। ये हमारी रेंज रहेगी, इससे ज्यादा हम नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, we
गाइस ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी लो चेस्ट के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज रहेगी कंसंट्रेट, ठीक है। जिग-जिग से लेंगे आपके नी पर, आपके पैरों के नी पे आपके हाथों के नी आएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, इसके भी आपको 3 सेट्स लेना है। ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन लगाने की आप कोशिश करें। इसके साथ ही हमारा आज का वर्कआउट खत्म हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ नया वीडियो को लेकर। तब तक के लिए ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।